अब देखो मैं ऐसी गिल्ली मारूंगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसको धक्का क्यों मारा? हाँ गिर और अब ऑल मारूंगा, देखता हूँ कौन बताता है तुम्हें। मेरे आगे तुम लोग एकदम पिद्दी देते हो। दोस्त भाग यहाँ से। मुझ पे लोग हंसते हैं जब मैं कहता कि विज्ञान किसी को भी छोटे से बड़ा और बड़े को छोटा बना सकता है। बट आई विल प्रूव इट। वन टू थ्री फोर। मैंने कर दिखाया, मैंने इस पौधे को छोटा कर दिया। यस मिस्टर कृष्णन, यू आर अ जीनियस। दोस्त समझा कुछ? हाँ दोस्त, हाथी को चींटी बनाना पड़ेगा। जीवा समोसे के साथ थोड़ी चटनी भी खा ले। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? बड़ा हाथी बना फिरता है ना तू, अब चींटी जैसा बन के घूमेगा। अरे मैं तोता कहते हो गया। मम्मा बताओ। हर ज्ञान के पीछे विज्ञान है। लगता है जीवा छोटा हो गया। छोटा नहीं हुआ, वो तेरे हाथ से छूट गया। मगर कैसे? अरे पहले बोतल का ढक्कन तो खोल। गिलहरी इतनी बड़ी कैसे हो गई? दोस्त गिलहरी बड़ी नहीं हुई, हम छोटे हो गए। क्या मतलब? जीवा अब हमसे और बड़ा हो गया होगा। हाँ लेकिन अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब हम इतने छोटे हो चुके हैं कि उसे जल्दी से दिखाई नहीं देंगे। अरे हाँ, तब तो हम और अच्छी तरह बदला ले सकते हैं। अब देख हम इसकी नाक में कैसे दम करेंगे। दोस्त इसकी नाक कितनी गंदी है, इसे देखकर तो मेरा ही दम निकले जा रहा है। अरे मर गए। दोस्त जल्दी कुछ कर वरना यह हमें मसल के रख देगा। जीवा की नाक का दरिया हमारी ओर बढ़ रहा है। भाग बदरी। फोर थ्री टू वन। यस हो गया हो गया। यस मिस्टर कृष्णन, यू आर अ जीनियस। ओ नो, फिर से वही रिजल्ट। जिस प्लांट को छोटा किया था वो बड़ा नहीं हो रहा।
अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ तो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट सबके लिए बड़ा खतरनाक साबित होएगा। दोस्त, बहुत भूख लगी है। लॉलीपॉप खाओगे? छोटे से लॉलीपॉप से मेरा क्या होगा? छोटा नहीं, बहुत बड़ा। वो देख, इतना बड़ा लॉलीपॉप। अब तो हफ्ता भर में टिफिन नहीं लाना पड़ेगा। अरे दोस्त, ऊपर से तो सारी चीजें अब छोटी लग रही हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे जैसी। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्त। मुझे भी, बचाओ अरे कहाँ अटक गए? आसमान से टपके मकड़ी के जाल में अटके। बद्री, इससे पहले ये हमें खा जाए, नेट को तोड़कर नीचे कूद। बद्री, अरे वो देख, सब लोग इधर ही भागते हुए आ रहे हैं। अरे हाँ, चल भाग, वरना हम इसके पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। दोस्त, ऐसे तो हम कभी भी कुचले मसले जा सकते हैं। हाँ यार, छोटा बने रहने में बहुत रिस्क है। चल, हम वापस बड़े बन जाते हैं। लेकिन कैसे? वैसे ही जैसे छोटे बन गए थे। मैं अपना अधूरा रिसर्च पूरा करके रहूँगा। ओफो, ये केमिकल मिसिंग है, बस वही ढूंढना है। वो मिल गया तो काम बन जाएगा। वापस आके फिर से कोशिश करता हूँ। इतनी बड़ी बोतल तो हमसे उठेगी भी नहीं, अपने ऊपर केमिकल कैसे डालेंगे? अपने ऊपर डालने की क्या जरूरत है, हम खुद कूद जाते हैं। तो फिर चल करते हैं एक्सपेरिमेंट। दोस्त, मर गए। लगता है अब हमें ऐसे ही चींटी की तरह जीना पड़ेगा। अरे दोस्त, हम बड़े हो गए। बड़े नहीं, जितने थे उतने हो गए। अरे, ये पौधा बड़ा कैसे हो गया? सर, इस ब्लू केमिकल से। अरे वाह, तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो मैं आज तक नहीं कर पाया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर ट्रूली अ जीनियस। थैंक यू सर।
मेगा रोबोट से लड़ते लड़ते टाइम का पता ही नहीं चला, हम फिर से स्कूल के लिए लेट हो गए। लड़ते लड़ते या पिटते पिटते? नेवर माइंड पार्टनर, लड़ाई में एक हाथ घुसा दो चार लात तो खुद को भी खानी पड़ती है। आज का दिन ही खराब है, घर में मेगा रोबोट ने हमें धोया, अब स्कूल में दुबे जी हमें निचोड़ेंगे। दुबे एक अच्छे स्कूल की के पहचान हुआ भाई। हमारे जैसा टीचर वा के कह रहा है, फिर से बोलिए जरा। हम के माफ कर दीजिए, हमारे जैसे टीचर नहीं तो आपके जैसे प्रिंसिपल। फिर से गलत बात बोल रहा है। तो आप ही बताइए अच्छे स्कूल की पहचान क्या होती है? डिसिप्लिन, अनुशासन। सॉरी सर। अरे यो पढ़ने के समय में तुम दोनों कहाँ से दौड़ लगा रहे हो? सर हम तो क्लास में जा रहे थे। राठी सर, ये दोनों हमेशा लेट आते हैं और स्कूल का डिसिप्लिन तोड़ते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई, तुम दोनों स्कूल का डिसिप्लिन तोड़ो? अरे हर रोज राठी सर, हर रोज। दुबे सर, हम हर रोज डिसिप्लिन कैसे तोड़ सकते हैं? संडे को तो स्कूल बंद रहता है ना। सुन लिया राठी सर, आज इन्हें ऐसा पनिशमेंट दीजिए कि इन्हें छठी का दूध याद आ जाए। नहीं, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं। तुम दोनों मेरे ऑफिस में जाके मेरा वेट करोगे, मैं स्कूल का राउंड मारते हुए सोचता हूँ कि तुम दोनों के साथ क्या किया जा रहा है। ओएमजी, अब क्या करें? प्रिंसिपल सर ऑफिस में नहीं है, चल जल्दी से बॉल ले लेते हैं। ऊपर से बॉल कैसे ले? वो वाली चेयर लेके आते हैं। ये क्या किया तुमने? मायरा तुमने ट्रॉफी तोड़ दी। बॉल तो मिल गई, इससे पहले कि कोई हमें देखे भाग यहाँ से। अरे अरे ये क्या कर रही हो, देखकर चलो। दोस्त इधर देख, ट्रॉफी और फोटोज तो टूटी हुई पड़ी है। शायद अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक? फिर हमें क्यों नहीं पता चला? कुछ अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो चुपके से आते हैं और तोड़फोड़ मचाकर चले जाते हैं। क्यों क्या कर दिया? स्कूल के होना स्टूडेंटों ने पसीना बहा के जो ट्रॉफी जीती थी तुम दोनों ने तोड़ के टुकड़े कर दी। सर हमने कुछ नहीं किया। ये तो अर्थक्वेक ने किया सर। अर्थक्वेक? अब मैं तुम दोनों ने ना छोड़ूंगा। तुम दोनों स्कूल से 7 दिनों के लिए सस्पेंड। अरे वाह मजा आ गया। राठी सर ये क्या कर रहे हैं? इन दोनों को स्कूल आना पसंद नहीं, इनको सस्पेंड करके आप इन्हें पनिशमेंट नहीं प्राइज दे रहे हैं। अच्छा ये बात है, आज मैं तुम दोनों ने ऐसी सजा दूंगा कि तुम याद रखोगे। आज से अगले 7 दिन तक स्कूल खत्म होने के बाद तुमने 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, समझे? अब रहो स्कूल में डिटेंशन। बता दोस्त मैं कहाँ हूँ? वहीं पर जहाँ से तेरी आवाज आ रही है। ये चीटिंग है दोस्त, तुझे मुझे सच्ची में ढूंढना पड़ेगा। हेलो बुद्धदेव। हेलो बद्रीनाथ। हम ही खेले? नहीं, हम जानते हैं ट्रॉफीज तुमने तोड़ी थी। तुम दोनों की वजह से हम अभी तक घर नहीं जा पाए। We are very sorry. Yeah, really, really sorry. नहीं नहीं, हम लड़कियों के साथ नहीं खेलते। क्यों? क्योंकि गर्ल्स बोरिंग होती है। क्योंकि गर्ल्स के सर पर टेल होती है, जैसे तुम दोनों के सर पर है। क्योंकि गर्ल्स के पास से अच्छी स्मेल आती है। But we are fun. तुम चाहो तो हमारा टेस्ट ले सकते हो। क्या बोलता है दोस्त? क्यों नहीं दोस्त,
इन्हें मकड़ियों से डराते हैं, बहुत मजा आएगा। दोस्त, एक भी मकड़ी दिखाई नहीं दे रही। लगता है सभी मकड़ियाँ शिकार करने गई हैं। मकड़ियाँ शिकार करने नहीं जाती, बल्कि शिकार का जाल में फंसने का इंतजार करती है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा पहला टेस्ट है कि तुम हमें एक मकड़ी पकड़ कर दिखाओ। ओके, कम ऑन मायरा। क्या हुआ, मकड़ी नहीं मिली क्या? ये रही तुम्हारी मकड़ी और ये रही तुम्हारी। कहो कैसी रही? ऐसी की तैसी रही, मगर मजा बहुत आया। तुम दोनों पहले टेस्ट में तो पास हो गई, अब तुम्हें दूसरा टेस्ट देना पड़ेगा। हम तैयार हैं। बताओ हमें क्या करना है। इस टेस्ट का नाम है MMM, मिट्टी में मिलकर। तुम्हें खुद को गंदा करना होगा। मड फाइट। ओके, टेस्ट ओवर। मायरा सायरा, तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो, अब तुम हमारी दोस्त बन सकती हो। तुम दोनों हमारे ग्रुप में हो। ये! हमें टेस्ट क्लियर कर दिया। ये! दोस्त, पहले हम सिर्फ दो थे, अब चार हो गए हैं। यस दोस्त, अब हमारा भी ग्रुप बन गया है और हमारे ग्रुप का नाम है नॉटी फोर। एकदम लल्लंदा। पुत्रदेव बलिनाथ, आज से तुम हमारे साथ बैठोगे। हाँ, हम साथ में खेलेंगे और स्टडी करेंगे। स्टडी? या। हे देखो, ये दोनों बेवकूफ बैक बेंचर्स मायरा और सायरा के साथ बैठे हैं, वो भी फ्रंट बेंच पर। अच्छी बात है, ये दोनों मायरा और सायरा को भी पढ़ने नहीं देंगे। क्लास में कंपटीशन कम होगा और मैं आसानी से फर्स्ट आ जाऊंगा। तुम दोनों दाओ अपनी जगह पर दाखिल बैठो। हम जहाँ खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है, और जहाँ बैठ जाए वो सीट हमारी। मायरा और सायरा हमारी न्यू फ्रेंड्स हैं। वी आर अ ग्रुप और हमारे ग्रुप का नाम है नॉटी फोर। बदलीनाथ का बद उठाओ और बुद्धदेव का बू, ऐड करो तो बनता है बदबू। तुम्हारे ग्रुप का नाम नॉटी पोल नहीं, धरती पोल होना चाहिए। इन लोगों को बता दो, हम डर्टी फोर नहीं, नॉटी फोर है। हमारा वीडियो गेम वापस करो और अपनी सीट पर जाओ। लगता है नॉटी फोर ग्रुप इन दोनों ने अपने थपने में बनाया था। तुम बैक बेंचेस हो और वहीं जाओ बदबू। कबूतर उड़, उल्लू उड़, जीवा उड़, तोता उड़, सायरा उड़। तू हार गया, सायरा नहीं उड़ती। हाय बुद्धदेव, हाय बद्रीनाथ। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। तुम दोनों हमसे नाराज हो? इग्नोर देम पार्टनर। हमने डिसाइड किया है कि क्लास में हम तुम दोनों से बात नहीं करेंगी, पर स्कूल की छुट्टी के बाद हम लोग एक ग्रुप है। यस, वी आर अ सीक्रेट ग्रुप। नहीं, ऐसे दोस्त दोस्त नहीं होते जो सबके सामने दोस्त ना बन सके। मेरे और बुद्धदेव के अलावा हमारे ग्रुप में बस एक और मेंबर है। कौन? मैं या फिर मैं, हम में से कौन? नहीं, तुम दोनों नहीं, ओनली मेगा रोबोट। ठीक है।
है तो फिर मेगा रोबोट के साथ ही रहो। राठी सर उड़, पेंगुइन उड़, मेगा रोबोट उड़। यार कल रात में मेगा रोबोट के लेवल 7 पे पहुंच गया। अरे मैं भी, क्या लेवल है दोस्त, हर जगह खतरा और डेंजर। हाँ, हर रास्ते पर कोई ना कोई डेंजरस एनिमल मिलता है, जैसे हमारे सामने ये हाथी खड़ा है। अरे साइड से निकाल ले, घंटी बजाते हुए हाथी भाग जाएगा। हम जब मेगा रोबोट के मॉन्स्टर से लड़ लिए तो ये हाथी क्या चीज है। अरे ये तो हाथी नहीं, अपनी भैंस है। तभी तो मैं सोच रहा था कि अपना नगर में हाथी कैसे आया। जब से रात को मेगा रोबोट खेल रहा हूँ मैं सोया ही नहीं। मैं भी। आंखें खुली रख और स्कूल चल, सब ठीक होगा। अरे साइकिल का हैंडल चोरी हो गया। अरे उल्टा हो जा, उल्टा ही सीधा है, और देख हैंडल सामने दिखेगा। ये तो रहा हैंडल। पेडल कहाँ है? पैर के पास। हाँ ये रहा। चल दोस्त, याद रख सोना मत, सो गए तो उठना मुश्किल होगा। वो देख राठी सर खड़े। हाँ चल धीरे धीरे। हसमत, मजा आ रहा है जैसे कि मेगा रोबोट गेम। अरे दो दो राठी सर। हाँ, जैसे दो दो मेगा रोबोट होते हैं गेम में। अरे छोरो क्या हो गया तुम दोनों को? सर वो और ये तुम्हारी आँखों को क्या हुआ, इतनी लाल हो रही है? सर हम रात भर पढ़ रहे थे, एग्जाम आने वाले हैं ना। हाँ, एक मिनट भी नहीं सोए। अरे नीचे क्या ढूंढ रहे हो? सर हमारी प्यारी प्यारी फेवरेट हिस्ट्री बुक गिर गई थी, वही ढूंढ रहे हैं। ओ ये तो अच्छी बात है, खूब पढ़ाई करो मगर सोना भी जरूरी है। वो सर सारी क्लासेस में तो हम सोते ही हैं। क्या बोला? ये बोल रहा है सारी क्लासेस में तो हम होते ही हैं, फिर भी रात को पढ़ते हैं। अच्छी बात है, चलो अभी क्लास में जाओ और आज रात आराम से सोना। यस सर। तो स्टूडेंट्स ये बताओ, जब अकबर को सबसे पहले राजगद्दी मिली तो उन्होंने क्या किया, बताओ कौन जवाब देगा? अच्छा तुम बताओ, बद्रीनाथ या बुद्धदेव? जब अकबर को सबसे पहले राजगद्दी मिली तो वो उस पर सो गए। अरे जा देखो, मजाक सोचता है तुम दोनों को। अरे आँखों को क्या हुआ है तुम्हारी, ठीक तो हो दोनों? सर वो हम 3 दिनों से सोए नहीं हैं, पढ़ाई कर रहे थे सर। वो तो जवाब से पता चल ही गया, अब तो नींद भी नहीं आती। सर इनको इंसोम्निया है। अरे मुझे पता है इनको क्या हुआ है, इनको मेगालोबोटिटिस हुआ है। उनका होता है जीवा? मेगा लोबोट का नया गेम आया है और उसके प्लेयर दिन रात उठे खेल ले, तब की यही हालत है। ये तो बहुत खराब बात है, सोना शरीर और दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। पर इसके लिए इनको दिमाग तो होना चाहिए ना। सर जब हम क्लास में सोते हैं तो आप डांटते हैं और अब बोल रहे हो सोना जरूरी है। अरे आज तुम सो जाओ, आज नहीं कहेंगे कुछ। कंट्रोल Alt, डिलीट, एंटर, कंट्रोल। अरे इसको क्या हुआ? मेरा दोस्त मन में मेगा रोबोट खेल रहा है,
अरे इसको सुलाने की कोशिश करो। ये कैसे दिख रहा है? So scary! जैसे हॉरर फिल्म के ज़ॉम्बीज। अरे इसका कुछ करता का है नहीं, सच में डरावना लग रहा है। तो चलो इन दोनों को सुलाने की कोशिश करते हैं। नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं। गहरी नींद में सो जाओ, सो जाओ। कौन है, कौन है? मैं लोली गाता हूँ। थोड़ा नन्ने मुन्ने बच्चे, थोड़ा आँख बंद कर ले, थोड़ा। अरे डरा के नींद उनकी और गायब होगी, आएगी नहीं। सो, हमें जब डर लगता है तो हम चुपचाप सो जाते हैं रजाई के अंदर घुस के। अच्छा आइडिया, लजाई लाते हैं। तकिया और बिस्तर भी। अच्छा चलो सो जाओ दोनों, बाकी सब चुप रहो। लगता है सो गए दोनों। नहीं सर, हम अभी भी जागे। अरे बहुत हो गया, चलो अब क्लास शुरू करते हैं। पढ़ाई थोड़े ही बंद कर सकते हैं दोनों के लिए। चलो हिस्ट्री का डबल क्लास लेते हैं। और फिर सम्राट अशोका ने कहा। अरे सो गए? हाँ, तो अशोका ने कहा, ओह अब तो मैं कह रहा था। अरे हाँ, तो सम्राट अशोका ने खर्राटे। अरे हम ऐसा नहीं पढ़ा सकते, उठाओ इनको। बुझ, उठाओ। अरे तुम सब मेरे घर कब आए? बहुत रात हो गई है, चलो सब सो जाओ। लो, पहले सो नहीं रहे थे, अब नींद आ रही है। अब लंच के बाद रिवीजन करेंगे। चलो स्टूडेंट्स अपनी हिस्ट्री बुक निकालो। तो फिर अशोका ने कहा कि आज से युद्ध समाप्त, कोई और युद्ध नहीं होगा, हर जगह सब सोएंगे। हाँ, सोएंगे। चलो काफी पढ़ाई हो गई आज, थोड़ा सुस्ता ले। सब लोग चैप्टर 7 पढ़ो मन में। अरे पूरी क्लास सो रही है, चल मस्ती करते हैं। अरे तुम दोनों इधर क्या खेल रहे हो, क्लास में क्यों नहीं हो? सर क्लास में क्या करें? हाँ सब तो सो रहे हैं। हाँ, और अगर हम जगाते हैं तो सब गुस्सा हो जाते हैं और हमें ही डांटने लगते हैं। ऐसा क्या? चलो दिखाओ कौन सो रहा है क्लास में। ओए। दुबे। सोने दो ना माँ, हम आज स्कूल नहीं जाऊंगा। दुबे। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक सोते थे जब थक जाते थे, समझे सब? सब देख लिया है, प्रिंसिपल हैं हम और हमारे सामने ही सो रहे हैं सब। सर वो
पढ़ते पढ़ते आँख लग गई। बहुत पढ़ाई की है बच्चों ने, तो थोड़ा आराम कर रहे थे। आराम और क्लास में, वो तो अच्छा हुआ बद्रीनाथ और बुद्धदेव ने सब बता दिया, नहीं तो रात इधर ही कट जाती। बद्रीनाथ और बुद्धदेव, इनकी वजह से ही तो हुआ ये सब। अब इनको दोष मत दो दुबे, आखिर बच्चे हैं ये, मन के सच्चे हैं ये। चलो अब क्लास शुरू करो, पढ़ाई करो पढ़ाई। रोज स्कूल हमें सुलाता है, आज हमने पूरे स्कूल को सुला डाला। इनको सुला डाला तो लाइफ झींगा लाला ललंता। बच्चू जैसी बॉलिंग कर रहा है, तेरी हर बॉल पे वो सिक्स मार रहा है। जा अब तू ही बॉल लेकर आ। पता नहीं बॉल कहाँ चली गई, आई तो इस तरफ ही थी। ये रही। अरे 1000 का नोट। अरे मिला क्या बॉल? ये देख 1000 का नोट। 1000 का नोट, ये कहाँ से आया तेरे पास? बॉल के साथ पड़ा हुआ था, पता नहीं किसका है। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, मतलब ये अपना हुआ। दोस्त तुझे पता है 1000 में कितने जीरो होते हैं? 1000 जीरो तो होते ही होंगे। अरे नहीं, सिर्फ 3 जीरो होते हैं। क्या बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा जीरो तो हमें एग्जाम में मिलते हैं। हाँ अच्छा, ये तो सोच कि इसका करें क्या। क्यों ना हम 1000 के नोट से एक हेलीकॉप्टर खरीद ले। हाँ ललन टॉप आइडिया है पार्टनर। कितना मजा आ रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? दोस्त वो देख सामने पहाड़, साइड में कर साइड में कर। अरे पहाड़ को कैसे साइड में करूं? अरे पहाड़ को नहीं हेलीकॉप्टर को। अरे ये इतने सारे बटन किसने लगाए यहाँ? ये हेलीकॉप्टर तो बड़ा खतरनाक है पार्टनर। हाँ दूसरी कोई आइडिया सोचते हैं। क्यों ना हम एक जहाज खरीद ले। हाँ, एकदम टाइटैनिक जितना बड़ा। इतना सा पानी है। सोच अगर हम समंदर में होते तो। हाँ, जहाज भी कैंसिल। यार ज्यादा पैसे आने से ना प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती हैं। हाँ कितना सोचना पड़ता है इतने सारे पैसे खर्च करने के लिए। हदाल का नोट, इन दोनों की बात। ये लाओ वो नोट इधर लाओ। क्यों? ये मेला नोट है, दो तुम लोगों ने उठा लिया। अरे इस नोट पे तो गांधी जी का फोटो छपा है। मतलब ये जीवा का नहीं हो सकता। मेला नोट मुझे दे दो वरना थोलूंगा नहीं तुम दोनों को। अरे जीवा का नोट तो वो पड़ा है पीछे। कहा नोट? अच्छा मिले थे दीटिंग। Yeah.
दोस्त, जीवा तो हमारे नोट के पीछे ही पड़ गया, अब क्या करें? पहले कुछ खाते हैं, फिर कुछ सोचते हैं। हाँ, अब तो हम पैसे वाले बन गए हैं, तो जो मन में आए वो खा सकते हैं। तो चल फिर पार्टी करते हैं। अंकल, दो चॉकलेट्स देना। दो चॉकलेट्स के लिए 1000 का छुट्टा नहीं मिलता। अरे अंकल, पूरी बात तो सुन लो पहले। हाँ, 2 प्लेट जलेबी, 4 प्लेट समोसा, 6 चिप्स के पैकेट्स, 2 पिज्जा और 1 किलो लड्डू। आइसक्रीम खाएगा ना दोस्त? हाँ। और 4 बटर स्कॉच आइसक्रीम। बस 120 और वो 240 और 325 हुआ। नकली नोट दिखाकर लोगों को झांसा देते हो। नकली नोट? हाँ, नकली नोट। तुम क्या समझे, मुझे उल्लू बना सकोगे? अंकल, लगता है आपने नोट को उल्टा पकड़ा है। उल्टा तो मैं तुम दोनों को कर दूंगा अगर तुम दोनों 1 मिनट और भी यहाँ रुके। चलो भागो यहाँ से। अच्छा हुआ वहाँ से भाग गए, नहीं तो वो दुकानदार अंकल हमें पुलिस के हवाले कर देता। हाँ दोस्त, हमने कितने सपने सजाए थे, लेकिन इस नोट में खोट निकल आया। ए लुको! मुझे कोई नहीं बच सकता। चलो मेरा नोट मुझे दे दो। तेरा नोट? हाँ पार्टनर, इसका नोट। हाँ, वो 1000 का नोट। हाँ, यही 1000 का नोट। चलो लखो इधर। तुझे ये नोट देंगे, लेकिन एक शर्त पर। कहती थल्त? इस नोट के बदले में तू हमको पार्टी देगा। नहीं, ये पैसा मेला है, मैं किसी को पार्टी नहीं दूंगा। अरे हम कहाँ किसी बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी मांग रहे हैं, स्कूल की कैंटीन में ही कुछ खिला दे। हाँ, पार्टी देने के बाद भी तेरे पास बहुत पैसे बचेंगे। हमने दोस्ती की खातिर तुझे 1000 का नोट दे दिया और तू दोस्ती के लिए एक पार्टी नहीं दे सकता? अरे रहने दे बुद्ध, जीवा का शरीर बड़ा है लेकिन दिल अभी भी छोटा ही है। चल चलते। लुको। ठीक है, देता हूँ पार्टी, तुम भी क्या याद रखोगे। तो ये ले नोट, चल अभी कैंटीन चलते हैं। हाँ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कैंटीन। तुझे नहीं पता जीवा पार्टी दे रहा है? क्या बात कर रहे हो। अरे मैं सिर्फ तुम दोनों को पार्टी दे रहा हूँ। अरे ज्ञान तो अपना ही है। और सोचो, जब हम लोग होमवर्क में फंस जाते हैं तो वही तो हमारी हेल्प करता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत पैसा है। अरे करण, तू जीवा की पार्टी में नहीं आ रहा है क्या? पार्टी? वाव, तुम लोगों ने फील बताया। जीवा, करण भी तो अपना ही है, जब भी उसके डैड लंदन से कुछ लेकर आते हैं तो वो हम सबको दिखाता है ना? हाँ, सिर्फ दिखाता है पर खिलाता नहीं। अरे आज तुम उसे खिलाओगे तो कल करण तुम्हें खिलाएगा। और उसकी चॉकलेट्स तो इम्पोर्टेड होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत पैसा है। जीवा, हम दोनों बाहर जाकर खाते हैं। क्यों? यहाँ खाओ थपके थत। नहीं, वो हमें पेड़ पर बैठकर खाने में बहुत मजा आता है। ठीक है। अरे देख क्या ले हो, थुलू कलो,
क्योंकि आज मेरे पास बहुत पैसा है। रुको, ये नोट तो नकली है। नकली कैसे हो सकता है? ठीक से देखो। मैंने ठीक से ही देखा है। चलो प्रिंसिपल सर के पास। बदली बूंद। देखा दोस्त, इसे कहते हैं दोस्ती निभाना। हाँ दोस्त, पिज्जा खा हम रहे हैं और हजम हमारा दोस्त जीवा कर रहा है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आज उसके पास बहुत पैसा है। पार्टनर, आज ना मैं बहुत सैड हूँ। अरे क्या हुआ पार्टनर? आज ये नई यूनिफॉर्म पहनी तो अच्छा नहीं लग रहा है। नई क्लास है तो नई यूनिफॉर्म तो बनती है ना। लेकिन पुरानी वाली को कितनी मेहनत से बिगाड़ा था। अरे सैड मत हो पार्टनर, नई यूनिफॉर्म बिगाड़ने में और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? कोई से भी कपड़े क्यों नहीं पहनते? यूनिफॉर्म के बहुत सारे फायदे होते हैं, चल दिखाता हूँ। भैया सारे सब्जेक्ट्स की दो दो नोटबुक्स दे देना। नया साल नई नोटबुक्स। येलो बिल। यूनिफॉर्म नहीं देगी? स्टूडेंट डिस्काउंट कौन देगा? येलो। अरे 50 रुपए बढ़ा दिए। मैं तो डिस्काउंट ही दे रहा था, पर नई नई यूनिफॉर्म पहनी है तो फिर डिस्काउंट क्यों दूँ? देख पार्टनर, यूनिफॉर्म की वजह से हमारे बुक्स ज्यादा कीमती हो गए। चलो शुरू करते हैं नया क्लास। सब अपनी अपनी किताबें निकालो। पार्टनर ये देख, मेरी नोटबुक तो तेल देने लगी। अरे ये तो टिफिन से तेल निकल रहा है, तेरी नोटबुक तो गई काम से। सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी मेरे बैग में थी। कहा खुतुर बुतुर चल रहा है वहाँ? इक्का हालत बनाया है इनका। तुम्हारे नए नोटबुक तो पुलाने ते भी पुलाने दिखले। कौन कौन अपनी नोटबुक पे कवर चढ़ा के लाया है? मैं। हम एक दिन का और टाइम देता हूँ, कल सब के नोटबुक पे कवर होना चाहिए। ये देखो मेरा ट्विंकल ट्विंकल थाइनिंग कवर और ये थूपल थाइनिंग टिकल। चल ज्यादा शाइनिंग मारने की जरूरत नहीं है। जीवा का बच्चा ज्यादा उछल रहा है, कल हम भी नया कवर चढ़ा कर आएंगे। शाइनिंग वाला और स्टिकर्स भी। इतनी पॉकेट मनी में सब आ जाएंगे। पर हम एक दो दिन तक आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे। कोई बात नहीं पार्टनर, जीवा को सबक सिखाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। भैया 12 स्टिकर्स और 12 कवर्स देना। कवर कौन सा वाला? शाइनिंग वाला। और क्या, हमारा स्टाइल देख के समझ नहीं आया? शाइनिंग वाला मतलब एकदम ललंटा। भैया कितने हुए? 24 रुपए। ये लो 25 रुपए और 1 रुपए की चॉकलेट दे दो। पार्टनर एक चॉकलेट हम दोनों कैसे खाएंगे? मिल बांट के खाएंगे पार्टनर, सुना नहीं? मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। तो ला आधी मुझे दे। पार्टनर मजा आ गया, प्यार को और बढ़ाते हैं। सही बोला पार्टनर। भैया एक काम करो, 2 कपकेक्स और देना। 2? हाँ, मेरे वाले में से आधा तेरा और तेरे वाले में से आधा मेरा। पार्टनर एक लल्लंटा आइडिया दूँ, एक एक आइसक्रीम भी खाते हैं।
भैया एक आइसक्रीम मुझे देना और एक मेरे बेस्ट फ्रेंड को। अब सब पैक कर दो। अरे भैया वो कहाँ ले जा रहे हो, उन्हें भी पैक कर दो। कवर चाहिए तो ये सब वापस करना पड़ेगा। अब क्या करें पार्टनर, पेट के चूहे ये सारा खाना वापस करने को मना कर रहे हैं। टेंशन मत ले पार्टनर, हम न्यूज़पेपर से नोटबुक कवर कर लेंगे। लेकिन दुबे सर ने तो कहा था कवर से कवर करना। अरे तो तुझसे किसने कह दिया कि न्यूज़पेपर कवर नहीं है, ये अपना स्टाइल है एकदम ललन टॉप। अंकल वो न्यूज़पेपर तो फ्री में दे दो। नहीं, वो ग्राहक का सामान पैक करने के लिए। ठीक है तो इन सबको न्यूज़पेपर में पैक कर दो। अरे अलग अलग पेपर में पैक करो। दोस्त ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। फिकर नॉट, जब तेरे साथ है बद्रीनाथ, एक और जगह है जहाँ हमें न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। फॉलो मी। वो देख न्यूज़पेपर्स, जल्दी कर उठा ले। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? हम शूलेस बांध रहे हैं। हैं? ऐसे? न्यू स्टाइल। हैं? ले पार्टनर, हो गया न्यूज़पेपर का बंदोबस्त। और ये हो गई बुक की कवर कंप्लीट। भगवान ने तुझे दिमाग सही जगह पे दिया दोस्त। अरे पटेल। जी सर। हाँ हाँ आया आया। अरे यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर पढ़े थे, कितने गए? मैंने तो खुद सुबह सुबह यहाँ रखे थे सर। अरे रखे थे तो गए कहाँ, ढूंढ उसे। जी सर। अरे जाके नया न्यूज़पेपर लेकर। अरे मुझे आज सरप्राइज क्विज लेना है। ये देखो मेरा इम्पोर्टेड स्टिकर, कैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तेरी गंदी हैंडराइटिंग के पीछे छुप गया है। स्टिकर के साथ अच्छी वाली हैंडराइटिंग भी इंपोर्ट कर लेता। हैंडराइटिंग से क्या होता है, स्टाइल तो स्टिकर से आता है। हाँ तो बालको आज के क्विज के लिए तैयार हो गई साहब? यस सर। और जो जीतेगा उसे स्कूल की तरफ से मिलेगा क्राफ्ट किट। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं क्विज। भाई यो बताओ जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? सर मुझे पता है, आलिया भट्ट ने। सर मैं बताता हूँ, आर्यभट्ट। अरे वाह भाई बिल्कुल सही जवाब। सर मैंने भी तो आलिया भट्ट ही बोला। जीवा तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, फिल्में देखना बंद कर दे और स्टडी पे ध्यान दे। हाँ तो अगला सवाल, चांद पे सबसे पहले जाने वाला इंसान कौन था? सर नील आर्मस्ट्रांग। बिल्कुल सही जवाब। देख बुद, इस न्यूज़पेपर के कवर पे भी है। भैया तो सबने मालूम होना चाहिए कि दुनिया का सबसे मीठा आम कौन सा है। बद्री तू? चल बोल बोल दे जवाब। हाफूस सर। अरे वाह सही जवाब। अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज्यादा चीनी बनती है? चाइना में। थल नहीं सर, ब्राजील। अरे सही जवाब, ब्राजील। चाइना में तो सबसे ज्यादा चाइनीज बनते हैं। अगला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? डायनासोर सर। नहीं सर, ब्लू व्हेल। अरे सही जवाब। अब हम जरा रैपिड राउंड खेलते हैं। अशोक चक्कर में कितनी तीलियां होती है, आसमान में कितने तारे, आइंस्टाइन के पापा का नाम बताओ, लियोनार्डो दा विंची के दादा का नाम। अब ये आखिरी तीन सवाल से तुम दोनों के लिए।
जापान की पॉपुलर कुश्ती को क्या कहते हैं भाई? सर सुमो। कौन से बादल में ज्यादा पानी होता है, सफेद या काला? सर काला। आखिरी सवाल, और ये सवाल तय करेगा आज का बिना, और सवाल है, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में क्या भारी होगा? सर लोहा भारी होगा। फंस गया चतुर, गलत जवाब। सर दोनों बराबर होंगे। चमत्कार, सही जवाब भाई, जीत गए तुम। पत्री मेरे शेर, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया भाई। अपना क्राफ्ट किट। पार्टनर आज तो नया कवर लगाना ही पड़ेगा। नहीं पार्टनर, जिस न्यूज़पेपर ने हमें जिताया उसे थोड़ा ही उतारेंगे। सही है, और इस क्राफ्ट किट का क्या करेंगे? उससे रॉकेट को सजाएंगे, एकदम नई लगेगी। हाँ सही है, एकदम ललचा। अरे ये कैसी आवाज है, घंटी तो नहीं बज गई? अरे वो स्कूल बेल नहीं, मेरी डकार थी। वैसे क्या अच्छे पराठे लाया था तू टिफिन में? हाँ पार्टनर, लेकिन मूली के बदले चीज के होते तो और ज्यादा मजा आता। अरे मेरे टिफिन से तो बेटर ही थे, मेरे में तो करेले की सब्जी थी। सोच करेले के पराठे होते तो कैसा टेस्ट होता। खाने की बात करके और प्यास लग रही है। हाँ चल अब वाटर कूलर से ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा ठंडा पानी, कूल कूल। ओ तेरी, यहाँ तो इतनी लंबी लाइन लगी है। पार्टनर मुझे तो बहुत प्यास लगी है। अरे जल्दी करो यार, प्यास से गला सूख रहा है। तुपला इतनी जल्दी है तो जल्दी से खाना खत्म करके आया करो। हमारा नंबर कब आएगा? आइडिया। क्या तू जानता है पार्टनर, मटके का पानी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है? सबको मटके से ही पानी पीना चाहिए। तो तुम्हें लोका कितने हैं? दाओ और मटके से पानी पी लो। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, थंकू याद दिलाने के लिए। अरे तुझे नहीं बोला था। बस कर, कितना पानी पिएगा? हाँ, हमारे लिए भी रख। अरे पानी पी लूं मैं। हो गया ना, अभी तो हमें पीने दे। अभी तो तंती आधी भली है। बस कर जीवा, कहीं तो डूब ना जाए। अब पी लो, जितना पानी पीना है। मैं मेरा नंबर है, मेरा नंबर। ठीक है चल तू पी ले। फिर पानी खत्म होने का पला धक्का, अब पियो फ्लो मटका। तू चुप रह, सारा पानी पी गया। दिखता भी पानी की टंकी की तरह है। छत पे जाके क्यों नहीं रहता? हाँ ठीक है ठीक है, बढ़िया। प्यास के मारे गला सूख रहा है यार। हाँ जब तक ब्रेक नहीं होता पानी नहीं मिलने वाला, और अगर जल्दी से पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। क्या तेज गर्मी है यार। वो देख क्लासरूम में वाटर कूलर। किधर किधर।
अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ वहाँ कहाँ टहल रहे हो? क्लास में हमेशा सोते रहते हो और अब नींद में भी चलने लगे हो? हाँ ये दोनों ऐसे नहीं सुनेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना। पन्नर वो देख कितना बड़ा वाटर कूलर है। लगता है ये वाटर कूलर का राजा है। मैं तो इसी में से पानी पीऊंगा। पहले मैं नहीं मैं अरे नहीं मैं अरे नहीं मैं नहीं मैं न तुम पहले और न तुम सबसे पहले तो हम हैं यहाँ। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ कुछ नहीं सर, हम तो बस। अरे बस बस, अब आगे का सपना पता है ना कहाँ देखना है? पानी तो सर के ऊपर से निकलता जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा पार्टनर। पानी की एक बूंद भी नहीं बची है और तुम कह रहे हो कि पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता हमें पानी पिला सकता है पार्टनर। कौन सा रास्ता? भूतिया रास्ता। कहाँ है भूत? क्या आइडिया सोचा है पार्टनर, एकदम लल्लंडा। भूत को देखकर बाकी बच्चे वाटर कूलर के आसपास भी नहीं भटकेंगे। चल चल सबको बताते हैं। सबको नहीं, सिर्फ मायरा और सायरा को। वो ऐसी बात को ना बढ़ा चढ़ा कर फैला ही देंगी। समझा, ब्रेकिंग न्यूज। ओह माय गॉड, मायरा और सायरा, जानती हो आज क्या हुआ? स्कूल में जो भी कुछ होता है हम सब जानती हैं, हमसे कुछ भी नहीं छुपता। अरे पर जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना बुद्धदेव? हाँ पार्टनर, ये बात मायरा और सायरा को ना ही बताओ तो अच्छा है, ये डर जाएंगी। नहीं प्लीज हमें बताओ, हम प्रॉमिस करती है कि हम नहीं डरेंगी। ओके, अब तुम इतना बोल रही हो तो वाटर कूलर है ना हॉन्टेड है, वहाँ एक भूत रहता है। बुद्धदेव गाना गा रहा है क्या? नहीं नहीं, भूत की कॉपी कर रहा है। आज जब मैं सुबह पानी पीने वाटर कूलर के पास गया ना तो मैंने उस भूत को देखा। क्या तुम सच कह रहे हो? 100% सच, किसी को बताना मत नहीं तो सब डर जाएंगे। हो गया काम। मुझे पानी की प्यास लगी है। मैं नहीं जाऊंगा वाटर कूलर के पास। मैं ट्राई करता हूँ, मैं जाता हूँ। साइंस भूत को नहीं मानती, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से भूत नहीं होते हैं। काम हो गया पार्टनर।
वैसे तो हम भूत से डरते नहीं है, पर कूलर वाला भूत तो बहुत ही पावरफुल था। सबसे ज्यादा तो जीवा डर गया था। मैं डला नहीं था, वो तो बस मम्मी थी याद आ गई थी। मैंने भी देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये किसी भूत का काम है। हाँ, ज्ञान इज राइट, ये कोई भूत भूत नहीं है। या डेफिनेटली एक जीनी है। जीनी? वो तिलाग वाला, तीन वित वाला? हाँ वही, इतना पावरफुल तो एक जीनी ही हो सकता है। अरे वाह, फिर तो मैं दाऊंगा उसके पास, वो मेला दीनी बनेगा और मेरे थाली विद फूल निकलेगा। हमें भी मिलना है। मैं भी मिलूंगा, हमें भी उससे मिलवा दो। मैं भी आऊंगा, मुझे भी मिलना है, मुझे भी मिलना है। ये क्या पार्टनर, आज की लाइन तो पहले से भी लंबी है। चलो पूछते हैं, तुम ऑटोग्राफ बुक्स हाथ में लेकर क्यों खड़े हो? तुम्हें पता नहीं, वाटर कूलर के पास भूत नहीं एक जीनी है, हम उसका ऑटोग्राफ लेने आए हैं। हाँ, जादुई चिराग वाला, और वो किसी की भी विश पूरी कर देता है। सच में? तो फिर मुझे भी जीनी चाहिए। मटके में भूत, मटके में भूत है। लल्लन साहब।